हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ग्रेडियंट कलर सीएसएस में लगाते वक्त जो एचटीएमएल में एम्बेड करके लगाया जाता है, जिसके लिए मैं पहली वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें हम सर्कल का शेप लेके कैसे आ सकते हैं। पिछली वीडियो में सर्कल का शेप नहीं बन पाया था, तो उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो आइए एक बार देख लेते हैं सर्कल का शेप कैसे बनेगा और कैसे जो है आप एक लाइक अंडाकार शेप में कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही चीजें दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूं, आपके पास जो भी ओपन हो, यही पुराना हमारा प्रोग्राम था। यहां पर जाकर के न्यू पे क्लिक करता हूं, न्यू फाइल ले लेता हूं और अब सबसे पहले यहां पर लगाते हैं एक्सक्लेमेशन और फिर यहां पर लिखता हूं डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर यहां पर एचटीएमएल, फिर हेड। लगाने के बाद फिर यहां पर हमें लगाना है कलर का कोड, तो हैश GRAD1 ये हमारे कलर का कोड है, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। और फिर यहां पर हाइट हमें लगानी है, तो ये हाइट हो गई हमारी। तो इस बार हाइट मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कोलन लगाया और इस बार मैं हाइट कर रहा हूं 250, ठीक है, पिक्सल सेट किया इसे। और फिर विथ की बात कर लेंगे, तो विथ कितना रखना है हमें, विथ हमें रखना है 200, तो विथ यहां पर लिख करके और फिर कोलन लगा करके फिर 200 कर देंगे पिक्सल, ये हमने कर दिया। और फिर अब बैकग्राउंड की बात करेंगे, तो यहां पर इसे टर्मिनेट करके फिर लिखेंगे बैकग्राउंड और इमेज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड पर इमेज किस प्रकार का आएगा, किस शेप में आएगा, ये यहां से डिसाइड होगा। तो यहां पर आकर के कोलन लगा करके फिर जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने, रेडियल करेंगे इसे और ग्रेडियंट तो रखना ही रखना है, तो यहां ग्रेडियंट कर देता हूं। और ग्रेडियंट करने के बाद फिर कौन कौन सा कलर रहेगा, तो यही तीनों कलर लिया था हमने, रेड, फिर कॉमा दिया था, फिर हमने लिया था येलो, फिर लिया था हमने ग्रीन, तो ये हमने ले लिया तीनों कलर, ठीक है। और इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद इसे टर्मिनेट भी कर देंगे, कर भी दिया टर्मिनेट, और जो ब्रैकेट ओपन किया था हमने यहां पर कलर कोड लिखने के बाद उसको भी कर दिया क्लोज। अब यहां पर दूसरा कलर कोड हमें लेना होगा, तो यहां पे हैश GRAD और अब यहां पे कलर कोड 2। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हमें सर्कल भी लिखना होगा, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सर्कल, तो यहां पर लिखा हमने सर्कल, कॉमा दे दिया। इस तरीके से आपको सर्कल लिखना है, पिछले वीडियो में ये सर्कल हमने नहीं लिखा था जिसके वजह से हमारा वो प्रोग्राम चला नहीं था, एक्चुअली चला तो था, ये प्रिंट भी हुआ था लेकिन सर्कल नहीं प्रिंट हुआ था। तो ये इस तरीके से सर्कल भी प्रिंट हो जाएगा। और कुछ भी आपको देना है बॉडी टैग पे ही लगाना है, जैसे H1 लिखा था हमने आपको पिछले वीडियो में अगर देखेंगे तो याद होगा, और पहला जो है रेडियल था और यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया था, तो ये सारी चीजें वापस से आ गई, ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने किया था। तो ये रेडियल नहीं है, ये सर्कल है, तो यहां पर मैं कर देता हूं सर्कल। इस बार हम सर्कल बना रहे हैं जो कि नहीं बन पाया था, तो ये हमने लिख दिया इसका नाम सर्कल। और फिर यहाँ पे ग्रेड 1 दिया था और यहां पर ग्रेड 2 कर देंगे, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कोडिंग में, ये देखिए यहां पर हमने किया है ग्रेड 1, ठीक है, और यहां पर ग्रेड 1 और यहां पर ग्रेड 2 कर देंगे, और डिव टैग को हमने क्लोज कर ही दिया है। इसको सेव करते हैं, .html के साथ सेव करना होगा, ये हमने इसको सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को चलाने की बारी है, तो यहां से डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूं, देखते हैं सर्कल शेप बना है या नहीं। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सर्कल शेप बना हुआ है, ठीक है। साइज हमने चेंज कर दिया था, आपको जैसा कि याद होगा एक रेडियल रखना था और दूसरा सर्कल रखना था, तो ये बिल्कुल गोल है, देखिए ये देख रहे हैं एकदम से गोल शेप है इसका, तो इसे कहते हैं सर्कल, जो कि ये पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था, इस वीडियो में काम हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।